सब्सक्राइब कीजिए रिच रिच किचन एंड लाइफस्टाइल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड वेलकम टू माय रिच रिच किचन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोग के सामने मैगी की रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन उसे मैंने चाउमीन स्टाइल में बनाया है। और मैं आज आप लोग को ये भी बताऊंगी कि जो भी चाइनीज डिश हम बनाते हैं, चाहे वो फ्राइड राइस हो चाहे चाउमीन हो, उसे हमें कैसे बॉयल करना चाहिए, इसकी एक मैं आज आपको टिप्स बताऊंगी। यहाँ मैंने एक भगोने में हाफ भगोना पानी भर लिया है। 3 पैकेट मैं मैगी यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने ये वेजिटेबल ऑयल डाला है 1 बड़ा चम्मच। नमक का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैगी में ऑलरेडी नमक होता है, उसके मसाले में भी होता है। इसमें मैंने अब क्या किया था कि सबसे पहले मैंने पानी को एकदम तेज़ बॉयल कर दिया था, उसके बाद मैं इसमें मैगी डाल रही हूँ। आप चाहे चाउमीन बनाएं, चाहे आप फ्राइड राइस बनाएं, जब पानी एकदम तेज़ अच्छे से गर्म हो जाए, बॉयल होने लगे, तब आप उसमें डालें। फ्लेम को थोड़ा लो कर दें। अब मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ फोक की हेल्प से। हमेशा फोक की हेल्प से ही करें। बड़े स्पून से करेंगे आप तो चाउमीन या जो राइस हैं उनके टूटने का डर रहता है, इसलिए वो चिपकते हैं और एकदम मैशी मैशी से बन जाते हैं, बहुत सबके खिले नहीं बनते। ये देखिए, मैं इसे तोड़ के देख रही हूँ। आधा कच्चा हमें इसको निकालना है, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो मैगी हो। अगर हम चाउमीन स्टाइल में बना रहे हैं मैगी को, तो हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। इसको आधा कच्चा हमें निकालना है, तोड़ के देखना है। अगर टक से टूट जाए एकदम ऐसे, तो मतलब ये पक चुकी है। तुरंत मैंने गैस बंद करी और ठंडा पानी डाला इसमें। अब मैंने इसको स्ट्रेन कर दिया है और इसको फोक की हेल्प से मैं अलग अलग कर रही हूँ। और जब मैंने इसको स्ट्रेन कर दिया था, तो लगभग 1 लीटर वाटर मैंने इसमें नॉर्मल वाटर ऊपर से डाला और इसको फिर अलग अलग करा। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही गलना चाहिए। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, हाफ कुक करना है। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, लाइक कैबेज ली है मैंने, अनियन लिया है मैंने, 2 अनियन लिया है, और यहाँ मैंने 1 बड़ा सा कैप्सिकम लिया है, 2 एग्स लिए हैं मैंने। आप एग्स को स्किप भी कर सकते हो अगर आप एग नहीं खाते हो। और ये 3 मैगी के पाउचेस हैं मसाला के। यहाँ मैंने कढ़ाई को पहले से चढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, आप चाहते हो कि आपकी जो मैगी या चाउमीन है वो बिल्कुल मैशी ना हो, तो एक टिप और है कि आप कढ़ाई जिसमें भी आप बनाओ उसको आप पहले से ही प्री हीट कर लो। आप उसको खूब तेज़ गर्म करो। देखो, मैं आप इसमें ऑयल डाल रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से पहले से ही कढ़ाई गर्म है, तो बिल्कुल ऑयल तुरंत गर्म हो गया। इसे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। अब इसमें मैं एक एक करके सब्जियां डालूंगी और उन्हें कुक करूंगी। फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अनियन डालूंगी, 1 मिनट के लिए इसे कुक करूंगी। उसके बाद एक एक करके सारी वेजिटेबल्स डालूंगी मैं इसमें। और जो भी हम चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं, चाइनीज़ की कोई भी डिश बनाते हैं, तो हमें उसमें कभी भी चाउमीन या फ्राइड राइस के लिए कभी भी हमें किसी भी वेजिटेबल को या अनियन को हमें ओवर नहीं पकाना है। सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि ये हाफ कुक ही बहुत अच्छी लगती हैं, क्रंची क्रंची सब्जियाँ। एक एक मिनट के अंतर पे हमने इसमें सब सब्जियाँ डालनी हैं। मैंने यहाँ पे प्याज को कुक कर लिया है। अब मैं 1 मिनट तक इसमें शिमला मिर्च को, मींस कैप्सिकम को कुक करूँगी। मिक्स करेंगे हम इसे अच्छे से और इसे कुक करेंगे। अब यहाँ पे मैं कैबेज डालूंगी। बीच बीच में आप फ्लेम का ज़रूर से ध्यान रखें, फ्लेम को आप लो करते रहें फिर मीडियम करते रहें। कैबेज डाल के भी मैं इसे 1 मिनट तक कुक करूंगी। यहाँ पे सब्जियाँ बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अभी मैं यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, जिससे कि जो ये पैन है वो अच्छे से गर्म है, कहीं ये वेजिटेबल्स ओवर कुक ना हो जाए। यहाँ पे मैंने वाइट पेपर का यूज़ किया है, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। आप ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, हमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। अब ये जितने भी पाउचेज हैं मैगी के, तो ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। 3 पैकेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो 3 पैकेट मसाला होगा इसका। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
सब्जियाँ बिल्कुल रेडी हैं। इसमें मैं मैगी डालूंगी। सॉसेज वगैरह जो होती है वो हम बाद में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये जो मैगी है यहाँ पे, इसे हमें हाथ से डालना है, अच्छे से ऐसे स्प्रिंकल करते हुए हमें इसे डालना है, बिल्कुल फैलाते हुए। अगर ये बंचेस में ऐसे गिरेगी तो ये बिल्कुल उलझी हुई सी होगी, तो ये गुठली जैसी बन जाएगी और ये इकट्ठी हो जाएगी आपस में, तो ये चिपकेगी, टूटेगी। वैसे आप इसे जैसे मैंने बताया वैसे ही आप इसको बॉईल करें तो आपका जो चाइनीज़ है वो कभी भी मैश ही नहीं बनेगा। यहाँ पे मैं वाइट विनेगर का यूज़ कर रही हूँ, 1.5 TBSP यूज़ करूँगी मैं। ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने सोया सॉस का यूज़ किया है, ये भी 1.5 TBSP यूज़ किया है। इससे कलर तो अच्छा आता ही है, इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी होता है। चिली सॉस का यूज़ कर रही हूँ मैं, ग्रीन चिली सॉस है ये। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसी ना बनाएं, हम चाइनीज़ वगैरह स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसमें मैं अच्छे से डाल रही हूँ। ये भी मैंने 1.5 TBSP यूज़ किया है। और ये मेरे पास रेड चिली सॉस है, ये मैंने 1 टीस्पून इसका यूज़ किया है। हमें जब चाउमीन वगैरह हम बनाते हैं तो उसे हमें स्टार्टिंग में हमें उसको फोक से मिक्स करना चाहिए, जब हमें लगे कि हाँ आधा मिक्स हो चुका है, उसके बाद आप इसमें स्पून का यूज़ कर सकते हैं, सर्विस स्पून का। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल खिला खिला रहेगा, अच्छे से मिक्स होगा और बिल्कुल भी ये मैशी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम इसमें इसे स्पून की हेल्प से, स्पैचुला की हेल्प से हमें इसे मिक्स करना चाहिए। जब आप ये सॉसेस डालने का और मिक्स करने का प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में पहले गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना चाहिए, उसके बाद आप इसको उसके मीडियम या फिर हाई फ्लेम पे कर सकते हो। अभी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं एग चाउमीन बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसको ढक के एक साइड में रख देती हूँ और हम ऑमलेट की तैयारी करते हैं। एक बोल मैंने लिया यहाँ पे, बड़ा बोल, इसमें मैं 2 एग्स डालूंगी। तो इस अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हो। 2 एग्स मैं इसमें डालूंगी। यहाँ मैंने वाइट पेपर लिया है और मैंने सॉल्ट लिया है, इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी नहीं तो ऑमलेट हमारा फीका लगेगा। दोनों चीज़ें मैंने 1/2 टीस्पून ली है, इसे हम अच्छे से बिल्कुल फेंट लेंगे। ध्यान रखिए इसमें तो मैं ऑमलेट जो बना रही हूँ उसको कट करके डालूंगी, लेकिन ऐसे अगर आप ऑमलेट खा रहे हैं तो आप अगर एक अंडे का भी ऑमलेट खा रहे हैं आप उससे ऐसे फेंटे, जैसे कि आप, मैंने जैसे बर्तन को उठा उठा के मैं एक साइड में ऐसे टेढ़ा कर दे रही हूँ, ऐसे आप फेंटे। पहले आप वाइट पोर्शन को फेंटे, बीट करें, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फ्लफी बनेगा और उससे जो बाद में आप फिर येलो पोर्शन को मिक्स करें, आपका कभी भी ऑमलेट जो है वो पतला सा नहीं बनेगा, बहुत फ्लफी बनेगा। और एक टिप और है, एक टिप कि आप इसमें 1 बड़ा चम्मच दूध डाल दें, फ्रिज का हो चाहे नॉर्मल बाहर रखा हो, कोई सा भी आप इसमें दूध डाल दें। अब यहाँ पर मैंने ये तवा ले लिया है और इसमें मैं हल्का सा ऑयल ब्रश कर दे रही हूँ। इसमें अब मैं ऑमलेट डालूँगी। आप जब दूध डाल देंगे तो आपका जो ऑमलेट है वो बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे लगेगा कि 2 अंडों का ऑमलेट, इतना ज़्यादा फूला हुआ बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो जाता है। यहाँ पर मैंने अब ये एग डाल दिया है, बहुत अच्छे से ये सिकेगा, फिर इसको हम पलट देंगे। नीचे से अब ये सिक चुका है, ये साइड साइड में जब अपने आप ही पैन को छोड़ने लगे और हल्का सा ब्राउन लगने लगे तो इसका मतलब ये सिक चुका है। मैंने अब यहाँ पे ऑमलेट को पलट दिया है, एक तरफ से बहुत अच्छे से सिका है ये। अब यहाँ पे ऑमलेट बन चुका है, मैं इसे अब कट कर लेती हूँ। पहले आप इसे लंबाई में कट करें, उसके बाद फिर आप प्लेट को घुमा दें और फिर इसको कट करें। ये थोड़ा सा लंबा और पतला पतला, पूरी इसकी स्ट्रिप्स होंगी पतली पतली सी, इस तरह से आप कर रहे हैं इसे कट। और अंडे की भुर्जी बना के तो आपने मार्केट में खाया ही होगा, अंडे की भुर्जी बना देते हैं फिर उसके ऊपर चाउमीन के ऊपर डाल देते हैं, इस तरीके से भी आप करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा स्टाइल आपका। अब यहाँ पे चाउमीन भी रेडी है, ऑमलेट भी रेडी है, इस पर हम इसको स्प्रिंकल कर लेंगे। हल्का सा इसको मिक्स कर लें जिससे ये अंदर तक इसका ऑमलेट चला जाए। अब इसे मैं एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी।
तो फ्रेंड्स, ये एग चाउमीन बिल्कुल रेडी है। और आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको वो यूज़फुल लगे या ना नहीं लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।